दोस्तों, आज मैं इस पावर सप्लाई में कुछ पार्ट्स जो लगते हैं उसका टेस्टिंग और उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पावर सप्लाई में यहाँ एक मॉस्फेट, एक डायोड, एक ऑटो कपलर और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, SNPS वगैरह है। तो कुछ पार्ट्स हमने नए लिए हैं, इसका टेस्टिंग और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अभी जब ये ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं तो ये टेस्टिंग आपको मालूम रहेगा, तो आप ये डाल सकते हैं। ये डायोड है, ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सब में लगते हैं। इसका नंबर रहता है IN4148। तो इसको टेस्ट कैसे करते हैं हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। मीटर में आप, अगर ये मीटर आपके पास है या दूसरा कोई भी मीटर हो, डायोड के रेंज में मीटर को रख लीजिए। आप डायोड के रेंज में रख के इसको सिलेक्शन को प्रेस कर दीजिए, तो ये यहाँ पे डायोड का सिंबल आ जाता है। तो ये डायोड के रेंज में जब हम लेके, और देखिए ये पॉजिटिव जो इसमें ब्लैक मार्क है, यहाँ पे ब्लैक मार्क के साइड में निगेटिव प्रॉड है ब्लैक वाला, वो लगाएंगे हम, और इस तरफ रेड लगाएंगे। तो देखिए रीडिंग क्या आता है, 590 के आसपास देखिए इसका रीडिंग आ रहा है। 590 500 के ऊपर ही ये रीडिंग आता है। तो ये एक साइड से आएगा, दूसरी तरफ से हम अगर इसको लगाते हैं मीटर को उल्टा करके, तो इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आएगा, इन्फिनिटी रहेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा मीटर पे। देखिए आप मीटर मीटर के ऊपर, हाँ हाँ, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, और क्लोज ले लो। तो ये डायोड ओके है। अगर दोनों तरफ से रीडिंग आती है या 0 0 दिखा रहा है, तो ये डायोड शॉर्ट है। इस तरह से हम इसको चेक करते हैं, तो इस तरह से हम डायोड चेक करते हैं। अगर खराब डायोड है तो उसको हम दोनों तरफ से चेक करेंगे, अगर 0 0 रीडिंग आता है तो शॉर्ट है, अगर दोनों तरफ से कोई भी रीडिंग नहीं आती है तो इसका मतलब डायोड ओपन हो गया। इस तरह से हम ये डायोड को चेक करते हैं। सर्किट में अगर हमको कुछ डाउट आता है तो इसको वन साइड ओपन कर लेते हैं, सर्किट में से निकाल लेते हैं। जैसे ये डायोड हम, देखिए ये डायोड लगे हैं यहाँ पे, एक तरफ से आप निकाल के इसको बाहर कर लीजिए और फिर इसको चेक कीजिए। अगर वो खराब दिखा रहा है तो फिर उसको ये कीजिए। देखिए सर्किट में लगा हुआ डायोड हम चेक कर रहे हैं, तो ये देखिए सर्किट में कैसे दिखा रहा है। ये देखिए 0 0 की रेटिंग आ रही है, ये डायोड हमारा खराब है, तो इसको चेंज करेंगे। तो डायोड इस तरह से चेक करते हैं, ये नॉर्मल डायोड की तरह ही रहता है। 4148 नंबर है इसका। ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है, बहुत यूजफुल है। तो आप इसको देख लीजिए, ये है रेजिस्टेंस 1 ओम्स का। ये सर्किट में देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये मॉस्फेट के एमिटर पे रहता है। जब कोई मॉस्फेट शॉर्ट होता है तो रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ जला हुआ है, ये ओपन हुआ है, इसको हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये 590 का कुछ रीडिंग दिखा रहा है, जबकि ये 1 ओम्स है। तो ये 200 के रेंज में अगर रखते हैं हम, तो देखिए ये रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो ये ओपन है हमारा। तो इसका रीडिंग देखिए कैसे आना चाहिए। इसको हमने 200 ओम्स के रेंज में रखा है, क्योंकि ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इसका कलर कोड है देखिए, ब्राउन, ब्लैक, गोल्ड। ब्राउन का वैल्यू 1 होता है, ब्लैक का 0 होता है, तो 1 और 0 हो गया, और ये गोल्ड थर्ड प्लेस पे आ गया, तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड प्लेस पे गोल्ड नहीं आता है। अगर ब्लैक आता है तो ये 10 ओम्स हो जाता था, ये गोल्ड आ गया है इसलिए ये 1 ओम्स हो गया। ये देखिए इसका वैल्यू दिखा रहा है 1.8 ओम्स। ये टॉलरेंस रहता है 10%, या मीटर का प्रॉड का भी प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए 0.4 तो ऐसे ही दिखा रहा है, और ये 1 ओम्स के आसपास का रेजिस्टेंस है। इस पर कलर कोड दिया है, तो ये देखिए इस तरह की रेटिंग आएगी। रेजिस्टेंस हम इस तरह से चेक करते हैं, ये हो गई रेजिस्टेंस की। उसके बाद हम बात करते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर। ये डायोड है, ये एसी वोल्टेज 230 दे करके इस पर डीसी तैयार होता है 230, और बाद में कंडेंसर ओवर लगा के 300 वोल्टेज इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव ऊपर आते हैं। इस पर देखिए सिंबल बना हुआ है, जहाँ पे कट ऐसे लगा है, यहाँ प्लेन है, देखिए यहाँ पर कट है, कट के साइड में इसका पॉजिटिव रहता है, बीच में एसी का सिंबल दिया हुआ है साइकिल का, तो ये यहाँ पे एसी कनेक्शन रहता है, और इस तरफ माइनस लगा हुआ है, तो ये निगेटिव कनेक्शन है। इसको किस तरह चेक करेंगे, इसको डायोड के रेंज में रख लेंगे और सिलेक्शन को दबा देंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम प्लस साइड, प्लस पे निगेटिव पकड़ते हैं यहाँ पे, और दोनों एसी पे टच करते हैं, तो देखिए रीडिंग आती है 549, दूसरी तरफ से बिल्कुल नहीं आएगी। फिर इसका ठीक उल्टा हम यहाँ पे पॉजिटिव पकड़ते हैं निगेटिव पे, तो देखिए 549 निगेटिव पे ये रीडिंग होती है इसकी। ये नॉर्मल ओके है, ये दोनों तरफ से नहीं दिखाना चाहिए, और ये भी दोनों तरफ से नहीं, कुछ भी रीडिंग नहीं आएगी लास्ट पे। देखिए तो ये डायोड ओके है, अगर सब तरफ से 0 0 दिखाता है तो ये डायोड खराब है। इस तरह से हम डायोड को चेक करते हैं, ब्रिज डायोड को चेक करते हैं। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है बहुत स्पेशल, अलग टाइप का ट्रांजिस्टर है। इसका नंबर है KSP44, ये यहाँ पे लगा है। देखिए जब ये मॉस्फेट टूटता है तो ये भी फूट जाता है, देखिए बस्ट हो गया है, कभी कभी ये शॉर्ट हो जाता है। तो इसको किस तरह चेक करेंगे, ये ट्रांजिस्टर जो है 500 वोल्टेज तक चलता है, बहुत छोटे साइज में है, लेकिन 500 वोल्टेज वर्किंग है इसका, वर्किंग वोल्टेज 500 500 वोल्टेज है इसका। बीच का जो कनेक्शन है वो बेस है, और साइड के इमीटर और कलेक्टर है। ये PNP ट्रांजिस्टर है, इसलिए देखिए
इसका इसको कैसे चेक करेंगे हम, बीच में इसका रेड प्रॉड लगाएंगे और साइड में दोनों पिन पे देखिए रेड ब्लैक लगा रहे हैं तो ये रीडिंग आएगा। ठीक इसके उल्टा अगर हम ये प्रॉड को उल्टा करते हैं तो ये कुछ भी रीडिंग इसमें नहीं आएगा, तो ये ट्रांजिस्टर ओके है। अगर ये दोनों तरफ से दिखा रहा है तो शॉर्ट है, अगर किसी तरफ से कोई रीडिंग नहीं आती है तो ये ट्रांजिस्टर ओपन है। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। इसके जगह पे दूसरा कोई ट्रांजिस्टर नहीं डालें क्योंकि इसका वर्किंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, दूसरे ट्रांजिस्टर इसके जगह पे नहीं चलते हैं। उसके बाद देखिए एक डायोड है, इसका इसका नंबर है, अलग अलग नंबर से आते हैं ये, तो 2N60 है। ये डायोड है, देखिए यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है दो डायोड का दोनों तरफ से। ये अलग अलग नंबर से आते हैं, कभी कभी 20 200 220 आता है, 200 100 आता है, अलग अलग एम्पियर के हिसाब से अलग अलग आते हैं। तो इसको डायोड को भी डायोड के रेंज में चेक करते हैं। इसमें बीच के सेंटर पॉइंट पे ब्लैक प्रॉड रख के और दोनों तरफ हम रेड लगाते हैं तो ऐसी रीडिंग आती है 234, कभी कभी इससे कम भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ से जब हम लगाते हैं तो कोई भी रीडिंग नहीं आती है। अगर दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है इसका मतलब कि ये डायोड शॉर्ट है, अगर कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है तो डायोड ओपन है, ये गुड डायोड है, ओके है एकदम। इसलिए देखिए इस तरह की रीडिंग आती है, बीच में हमने निगेटिव रखा है और ये मीटर प्रॉड रेड रखे दोनों तरफ, तो देखिए ये रीडिंग आती है, तो ये डायोड हमारा ओके है। इस ये डायोड लो वोल्टेज में हाई करंट के लिए काम करता है। ये 5 एम्पियर एक पावर सप्लाई का जो करंट लोड है, देखिए 5 एम्पियर 5 प्लस 5 5 एम्पियर है, इसमें ये डायोड यूज हो रहा है। ये कम वोल्टेज पे काम करने वाला डायोड है, ये ज़्यादा वोल्टेज पे काम करने वाला, ज़्यादा जैसे AC 230 में ये डायोड लगते हैं, और जब DC लो वोल्टेज रहता है 12 वोल्ट 25 वोल्ट 30 वोल्ट 36 वोल्ट तक ये डायोड ऐसे डायोड चलते हैं। इसके अलग अलग नंबर्स आते हैं, अलग अलग एम्पियर रहते हैं, तो इस तरह से डायोड को चेक करते हैं। अब हमारा ये मॉस्फेट है, इसका नंबर है 2N60, ये 2N60 आता है, बाद में 2N65 आता है, 12N 8N 6N, ये एम्पियर के हिसाब से डायोड के नंबर चेंज होते हैं, मॉस्फेट के नंबर चेंज होते रहते हैं। ये मॉस्फेट को कैसे चेक करते हैं ये देखिए, इसको भी डायोड के रेंज में रखेंगे और सिलेक्शन दबा के इसको भी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे रेड प्रॉड रख के और यहाँ करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैक प्रॉड सेंटर में रख के जब इसको रेड प्रॉड साइड में रखेंगे तो ये रीडिंग आएगी। बाद में फिर उल्टा करेंगे हम लोग तो इसमें कुछ कोई भी रीडिंग नहीं आती है, कभी कभी ये जो गेट से स्विच हो जाता है तो कोई रीडिंग 1100 1200 1400 की आ जाती है, तो उसका मतलब ठीक है और शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। एक ही पिन से देखिए रीडिंग आ रही है, यही रीडिंग ऐसी आनी चाहिए, दूसरी तरफ कोई रीडिंग नहीं आएगी ये पिन से, इसका मतलब ये ठीक है। तो इस तरह से हम ये कंपोनेंट चेक करेंगे। ये देखिए हीटिंग पेस्ट है, ये क्यों किस लिए यूज़ करते हैं आपको बता देते हैं। जब ये ट्रांजिस्टर हम फिट करते हैं बॉडी पे तो इसमें हम लगाते हैं सरफेस पे, और इसको मेटल पे फिट किया जाता है जिससे इसकी जो हीटिंग है वो मेटल में ट्रांसफर हो जाती है और हवा में ये हो जाती है, इसे ट्रांजिस्टर ये ज़्यादा दिन चलते हैं। या डायोड को भी ये लगा सकते हैं, डायोड में भी लगता है अगर हीट सिंक उसको प्रॉपर ये होता है तो इस तरह से ये सामान के बारे में आपको बताया। ये IC है, IC की दोस्तों कोई टेस्टिंग नहीं होती, इसकी टेस्टिंग सर्किट में ही होती है, इसकी सप्लाई पिन शॉर्ट है तो ओपन करके देखते हैं, इसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती क्योंकि एक पूरा सर्किट ही रहता है इसके अंदर, तो इस तरह से इसका टेस्टिंग करते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बाकी सब बताएंगे।